हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देख भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोज़ है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते समय आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब करते हैं, और उसके वजह से आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, और उसी के ही वजह से आपको मार्केट में मैक्सिमम टाइम पे लॉस होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग करते समय हमें हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। इससे भी ज्यादा और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इतने ही पॉइंट देखेंगे। अगर आप ये भी पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो भी आप अच्छी तरह से आपके इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम ये पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पहले तीन पॉइंट लिए हैं वो एक दूसरे के रिलेटेड है, तो वो पहले हम तीन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, बिफोर एंट्री डिसाइड एवरीथिंग अबाउट ट्रेड, डिसाइड एंट्री लेवल, टारगेट लेवल एंड स्टॉप लॉस लेवल, स्ट्रिक्टली फॉलो अबाउ लेवल्स वाइल ट्रेडिंग। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, कि मान लीजिए हमें कोई स्टॉक में ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने से पहले ही हमें डिसाइड करना है कि ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमारा टारगेट कहाँ पे होने वाला है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है। ये डिसाइड करने के बाद हमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करना है कि वो मेंटेन हो पा रहा है या नहीं। और मान लीजिए हमारा ट्रेड अगर गलत होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जितना भी आगे जाकर लॉस होगा वो हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें जो भी उसके वो ट्रेड के रिलेटेड है वो हमें ट्रेड में एंटर करने से पहले ही लेनी होगी। अगर वो पूरी तरह से जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी हमने एंट्री लेवल्स मार्क किए है, टारगेट लेवल मार्क किए है, स्टॉप लॉस लेवल्स मार्क किए है, अगर वो हमें एक्सेप्टेबल है तभी हम उस रिस्पेक्टिव स्टॉक में ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम उसमें ट्रेड नहीं ले लेंगे। थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमने बोला था कि स्ट्रिक्टली फॉलो अबाउ लेवल्स, यानी कि एक बार हमने ये पूरे लेवल्स डिसाइड किए और वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में हमने एंट्री ले ली, तो हमें वो लेवल को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। यानी कि एंट्री करने के बाद, टारगेट आने के बाद हमें एग्जिट ही करना है, स्टॉप लॉस आने के बाद हमें लॉस बुक ही करना है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं जो बिगिनर लेवल के रहते हैं, कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं होता वो लॉस, तो वो उसे कैरी करते रहते तो लॉस बढ़ने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि टारगेट आने से ही पहले प्रॉफिट दिखने लगता है, तो वो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं। तो प्रॉफिट जो भी हम ले लेते हैं वो कम से कम ले लेते हैं, और जो भी हमारा स्टॉप लॉस या लॉस हमारा बुक होते रहता है वो या बढ़ते रहता है वो ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। तो इस तरह से नहीं करना है हमें, कि स्टॉप लॉस आने के बाद स्ट्रिक्टली हमें वो पोजिशन को क्लियर करना है, टारगेट आने के बाद भी हमें प्रॉफिट बुक करके वो पोजिशन को क्लियर करना है। तो ये हमें हमारा जो माइंड है उसमें हमें सेट करना पड़ेगा कि ये जो लेवल से हमें उसे फॉलो करना ही करना है। तो आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपके इमोशंस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले ही आपने ये लेवल्स को डिसाइड किया था, और अगर आगे जाकर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके इमोशंस जो हावी हो रहे थे आप पे वो थोड़े कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, ट्राई टू लुक टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स ऑन चार्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि दोस्तों, क्या होता है कि हम ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड में एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी रिस्पेक्टिव हमें जो भी दिख रहा है वो हमें दिखने लगता है हमारे टर्मिनल के ऊपर।
क्या हो जाता है कि साइकोलॉजिकल लेवल जो रहते हैं हमारे हमारा जो हमारे जो इमोशंस रहते हैं फियर एंड ग्रीड वहां पे एक्टिवेट होने लगते हैं कि हमारा प्रॉफिट अगर दिखने लगेगा तो हम सोचने लगते हैं कि चलो टारगेट का वेट करने की क्या जरूरत है, प्रॉफिट तो दिख रहा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट को बुक करके बाहर आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड लेते हैं हम और कंटिन्यूअसली स्टॉक लॉस में ही दिखने लगता है, तो हम वहां पे रुकते हैं, वहां पे हम लॉस बुक नहीं करते, वहां पे हम सोचते हैं चलो स्टॉप लॉस तो नहीं आया, स्टॉप लॉस आने तक रुकेंगे। फिर स्टॉप लॉस आने के बाद भी फिर हम थोड़ा बोलते हैं कि चलो उसे और भी कैरी करते हैं और फिर वो हमारा लॉस बढ़ने लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि एक बार हमने रिस्पेक्टिव स्टॉक में ट्रेड ले लिया तो हमें हमारे प्रॉफिट लॉस जो भी स्टेटमेंट हमें दिखते रहते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी हमारा दिखते रहता है हमारे टर्मिनल पोर्टफोलियो के ऊपर, तो प्रॉफिट लॉस को हमें नहीं देखना है, हमें हमें हमारे खाली लेवल्स को फॉलो करना है। मान लीजिए कि चार्ट पे हमने लेवल्स मार्क किए होते हैं, हमारी ये एंट्री लेवल है, मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम वहाँ पे लेवल्स मार्क करते हैं कि ये हमारी एंट्री लेवल है, ये हमारी स्टॉप लॉस लेवल है और ये हमारी टारगेट लेवल है, तो उसी लेवल को हमें देखना है। और जब भी हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस लेवल हिट हो जाएंगे तभी हमें पोर्टफोलियो में आकर हमारे जो जहाँ पे भी हमारे स्टॉक दिखते हैं वहां पे आने के बाद वहां से हमें उसमें डिसीजन लेना है कि वो स्टॉक को हमें सेल करना है या उसमें अभी भी रुकना है। तो वो जो लेवल्स है उसके वो लेवल्स हमें हमें चार्ट पे देखने हैं, बल्कि उसे हमें नहीं देखना है, हमारे जो पोर्टफोलियो रहता है वहां पे हमें नहीं देखना है, हमें उसे चार्ट पे ही देखना है। राइट दोस्तों, तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोअर टाइम फ्रेम्स हायर इमोशंस, यानी कि जितने भी हम कम समय के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इमोशंस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप अगर आप 1 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आपके इमोशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बिगिनर लेवल के ट्रेडर से आपको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है और आप 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आपके इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप पूरा हैंग हो जाएंगे, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। राइट, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट उसका मैंने लिखा है कि हायर टाइम फ्रेम्स लेस इमोशंस, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप 1 आवर की कैंडल लेते हैं और उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उतने इमोशंस आप पे हावी नहीं हो पाते। क्योंकि क्या उसके पीछे का रीजन क्या है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि ऊपर नीचे स्टॉक की वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा दिखने लगती है हमें। तो जब भी हम उसे देखते बैठते हैं तो वो हमारे माइंड पे इफेक्ट करने लगता है, तो हमारे इमोशंस फियर ग्रीड एक्टिवेट होने लगते हैं और हम गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम रहेगी, मान लीजिए 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, तो उसमें उतना ऊपर नीचे नहीं होता, तो उसमें हमारे इमोशंस उतने एक्टिवेट नहीं होते, तो वो हमें डिस्टर्ब उतना नहीं कर पाते। तो ये एक आप करके देख सकते हैं दोस्तों। मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये भी करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि इमोशंस जो रहते हैं उसमें थोड़ा तो डिफरेंस आया होगा बाद में। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है ट्राई टू लुक मार्केट एज लेस एज पॉसिबल, यानी क्या कि हम क्या करते हैं दोस्तों, एंट्री लेने के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट को वॉच आउट करते बैठते हैं, कंटिन्यूअसली उसे देखते बैठते हैं। तो कभी स्टॉक ऊपर जाएगा, कभी स्टॉक नीचे आएगा, ऊपर जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, नीचे जाने के बाद फिर से बुरा लगने लगता है, तो हम वो उसके बीच में हम गलत डिसीजन लेके बाहर आते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। एक बार हमने मान लीजिए कि हम शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हमारी जो ट्रेडिंग का जो भी ड्यूरेशन है वो मान लीजिए कि 6 दिन, 7 दिन का, 1 हफ्ते का है, तो आज पोजीशन बनाने के बाद हमें वो मार्केट को कंटिन्यूअसली वॉच आउट नहीं करना है, मार्केट खत्म होने के बाद ही देखना है हमें कि हमारा अगर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होगा तो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, टारगेट हिट हुआ है क्या, या टारगेट के पास आया है क्या, वो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर लगता है कि स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है तो नेक्स्ट दिन में हमें मार्केट को ओपन करके लॉस बुक करना है। और मान लीजिए कोई स्टॉक हमारे टारगेट के आसपास दिख रहा है तो नेक्स्ट दिन में मार्केट ओपन होने के बाद हमें वो टारगेट लगा के रखना है और टारगेट आने के बाद हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो जितना भी कम से कम हम मार्केट को देखेंगे ना, उतना कम से कम इमोशंस हमें डिस्टर्ब यानी कि इमोशंस का जो डिस्टर्बेंस रहता है वो कम से कम हो जाएगा। तो मार्केट को भी कम से कम देखेंगे तो उससे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि इमोशंस डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। सही डिसीजन ले पाएंगे यानी क्या हो जाएगा कि हम हमारे टारगेट जो स्टॉप लॉस लेवल्स रहते हैं उससे अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। और अगर हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो मैक्सिमम टाइम पे हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा रहेगा। तो बाद में अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उससे भी हमें दिखेगा कि ये जो भी हमने डिसिप्लिन फॉलो किए थे उसके वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए इससे आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। ये पॉइंट इतने ही नहीं, इससे भी ये टॉपिक रिलेटेड जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन ये वीडियो में मैंने इतने ही कवर किए हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है जो भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।